नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी के आज के इस मॉडल पेपर में हमने बहुत ही विशेष प्रश्नों को संकलित किया है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, कोई भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो डायरेक्टली आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक पेज पर आकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ये लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल है कि विश्व हॉकी महासंघ के स्टार पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को दिया गया है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है इनको। देखिए, भारत के किसी खिलाड़ी को पहली बार ये सम्मान मिला है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है ये? लुसाने में है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सही जवाब इसका 7 जनवरी और वर्ष था 1924 का, और इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ईवा दी गोडे, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब है। देखिए, यहां पर मैं आपको विश्व हॉकी महासंघ के वर्ष 2019 के सभी पुरस्कारों को बता देता हूं फटाफट, तो देख लीजिए इसको। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उसमें पुरुष खिलाड़ी मनप्रीत सिंह जो कि भारत के हैं, महिला खिलाड़ी में ईवा डी गोडे हैं जो कि रहने वाली हैं नीदरलैंड्स की। तो वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं मनप्रीत सिंह और ईवा डी गोडे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के तौर पर किसे चुना गया? तो पुरुष गोलकीपर हैं विंसेंट वनास जो कि बेल्जियम के हैं, और महिला गोलकीपर हैं रासेल लिंच जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। कोच ऑफ द ईयर के लिए किन्हें चुना गया इस पुरस्कार के लिए? तो पुरुष के लिए चुना गया है कोलिन बैज को जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच हैं, और महिला पुरस्कार दिया गया है एलिसन अन्नान को जो कि नीदरलैंड्स टीम की कोच हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोनों ही पुरस्कार यानी कि पुरुष और महिला के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मिला है। तो विवेक प्रसाद पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए लाल रेमसियामी, तो दोनों ही भारतीय खिलाड़ी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है, 70वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार 70वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जी हाँ, बर्लिन में ही हुआ था। और आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, देयर इज नो एविल। यह एक ईरानी फिल्म है जिसके निर्देशक कौन है? मोहम्मद रासूलोफ। ईरानी फिल्म है, याद रखना इसको। और इसके जो निर्देशक है उनका नाम क्या है? मोहम्मद रासूलोफ। तो हालांकि मोहम्मद रासूलोफ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार नहीं मिला है, तो बेस्ट डायरेक्टर कौन चुना गया? तो चुने गए हैं होंग सांग सू। क्या नाम है उनका? होंग सांग सू, लिख देता हूँ ताकि आप समझ लें, होंग सांग सू। इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? इन्होंने बनाई थी फिल्म द वोमेन हु रैन, द वोमेन हु रैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, इस अवार्ड के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। पहले आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिए कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के अंतर्गत स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब अगर आप जानते हैं या फिर जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ अगर उसका उत्तर आप जानते हैं तो उसका उत्तर आप हमें फटाफट कमेंट करते रहिए।
और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी दोनों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है लारियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के अंतर्गत। अब ये जो अवार्ड था इसका वितरण कहाँ पर हुआ था? मैंने बताया था कि इसका जो वितरण हुआ था वो बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी को, ठीक है, 17 फरवरी। और एक बात और भी आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटेन के फार्मूला 1 चालक हैं लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी कौन है? ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और ये पहली बार है जब दो खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार दिया गया है। अब एक सवाल आपके मन में यहाँ पर और भी क्लिक करना चाहिए कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के अंतर्गत तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को किसे चुना गया? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स कौन है, क्या आप बता सकते हैं? सिमोन बाइल्स, जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की हैं, अमेरिकी जिमनास्ट, ठीक है। नाम क्या है इनका? सिमोन्स बाइल्स। तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुनी गई हैं। और इसी क्रम में अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पर प्रश्न नहीं है, मैं आपको एक तथ्य से अवगत कराता हूँ। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के लिए, यानी कि पूरे 20 वर्षों के लिए, इसे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर के रूप में चुना गया है। और इस पुरस्कार को क्या चुना गया है? मोमेंट ऑफ स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ 2000 to 2020, ठीक है, स्पोर्टिंग मोमेंट इसे चुना गया है पूरे 20 साल के लिए। तो ये तस्वीर क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो भारत के स्टार क्रिकेटर हैं ये सचिन तेंदुलकर। 2011 विश्व कप के फाइनल के बाद के एक फोटो है ये, और इसमें दर्शकों ने उन्हें कंधे पर उठाया हुआ है। और 2000 से लेकर 2020 तक के लिए इसे स्पोर्टिंग मोमेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर पुरस्कार प्राप्त करने की बात की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपके मन में क्लिक करना चाहिए कि लारियस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, लारियस पुरस्कार विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के डैमलर और रिचीमेंट ने की थी। कब? 1999 में। लेकिन पहली बार ये जो पुरस्कार था वो वितरित हुआ था 2000 में। स्थापना हुई थी 1999 में और पहली बार दिया गया था वर्ष 2000 में, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? और दोस्तों, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि यह पुरस्कार लगातार तीसरी साल PV सिंधु ने जीता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। देखिए, ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 2020 को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए सौरभ चौधरी, जो कि एक निशानेबाज हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि पिछले वर्ष यानी कि 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली PV सिंधु को यह पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष मिला है। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया था, और ये जो मोमेंट था उसे मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किताब है गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम, ठीक है। ये किताब है, नाम क्या है? गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम नामक किताब किसने लिखी है, बताइए। सही जवाब है MJ अकबर, यानी कि विकल्प ए। अब यहाँ पर जो भी नाम है विकल्पों में, सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सभी के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, और ये किताबें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये किताबें कौन कौन सी हैं। देखिए, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, ये लिखी गई है MJ अकबर के द्वारा। VP मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, लिखी गई है नारायणी बसु के द्वारा। तीसरी किताब है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव, ये किताब लिखी है शशि थरूर और समीर सरन ने मिलकर। और जॉन बोल्टन की एक किताब भी चर्चा में है, नाम है रूम वेयर इट हैपेंड, रूम वेयर इट हैपेंड। तो ये सारी किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
और अब सवाल उत्तर प्रदेश स्पेशल। बताइए कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2020-21 के लिए 18 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसका कुल आकार कितना था। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं चार विकल्प, सही विकल्प का चुनाव आपको करना है, तो क्या आप बता सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। कुल यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट 2020-21 के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन बी है ये 2019 का बजट है, 2019-20 यानी कि जो पिछला बजट था ये इसका आकार है, ठीक है। तो नया आकार ये, पुराना आकार ये। और अब एक प्रश्न आपके मन में यहीं पे क्लिक करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का बजट 2020-21 ये पिछले बजट यानी कि 2019-20 के बजट से ये कितना प्रतिशत अधिक रहा था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स 2020-21 का बजट पिछले बजट से 6.9% अधिक रहा था, जबकि अगर हम बात करें 2019-20 के बजट की तो ये 2018-19 के बजट से 12% अधिक था, ठीक है। इसको ऐसे समझिए 2018 के बजट से 2019 का बजट कितना अधिक था, 12%, और 2019 के बजट से 2020 का जो बजट पेश किया गया वो 6.9% अधिक है, ठीक है। और एक बेसिक डिफरेंस आप लोग और भी याद रखिएगा कि 2019-20 का जो बजट था उसे वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया था, और वर्तमान बजट यानी कि जो 2020-21 का बजट है उसे किसने प्रस्तुत किया था, अभी मैंने आपको बताया, श्री सुरेश कुमार खन्ना ने। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इसी क्रम में अब एक सवाल और, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2019 को किसकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। आपको मिलते हैं 3 सेकंड और ये पूरे हो गए। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि श्री एन के सिंह, श्री एन के सिंह। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के साथ पठित वित्त आयोग अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को श्री एन के सिंह जो कि पूर्व सांसद एवं पूर्व सचिव की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इस आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनका नाम क्या है, श्री शक्तिकांत दास, श्री अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ये आयोग के अन्य सदस्य हैं, ठीक है, जिनके नाम आप देख रहे हैं विकल्पों में। अब एक सवाल यहाँ पर है कि 15वें वित्त आयोग के बारे में आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के साथ पठित वित्त आयोग अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, क्या यह सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 15वां वित्त आयोग संघ के विभाजनीय करों को केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित करने तथा राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें हस्तांतरित किए जाने हेतु 2020-21 से 2024-25 अवधि के लिए संस्तुतियां देगा, क्या ये सही है। जी हाँ, ये पॉइंट भी सही है। और 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों को प्रयुक्त किया है, क्या ये सही है। जी हाँ, ये भी सही, यानी कि विकल्प डी हमारा सही जवाब है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। अब मैं आप लोगों से मॉडरेट लेवल के 3 सवाल करता हूँ, ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आपको विकल्प नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली इसका आंसर करना है। बताइए कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के बीच मिलता है, समानता का अधिकार। दूसरा प्रश्न है, किस शासक ने उपनिषद, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और तीसरा प्रश्न होगा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था। तो ये 3 सवाल हो गए और इसका जवाब आपको भी देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब दूंगा मैं आपको अगले यानी कि मॉडल पेपर नंबर 64 में, ठीक है। तो सारे जो MCQs थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को और इस लेक्चर को काफ़ी इंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।